हेलो स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स टेक अप द ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रिक एसिड। चूँकि हमने सल्फ्यूरिक एसिड पढ़ा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पढ़ा है और हम पढ़ रहे हैं नाइट्रिक एसिड। नाउ नाइट्रिक एसिड की एक बहुत अच्छी सी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, दैट इज़ इट एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ये क्या है, ये खुद रिड्यूस हो जाता है और ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो जनरली क्वेश्चन आता है हाउ डज नाइट्रिक एसिड एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, और गिव एन इक्वेशन वेयर नाइट्रिक एसिड इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो इसी को हम देख लेते हैं ना। सबसे पहले हम इसके लिए समझेंगे व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, हमारा एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, एंड रिडक्शन इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इसको हाइड्रोजन की टर्म्स में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। ये तो हमने 6th, 7th, 8th में अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन का मतलब एडिंग ऑफ ऑक्सीजन है और रिडक्शन का मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की टर्म में पढ़ते हैं तो ऑक्सीडेशन में ओ आता है और इलेक्ट्रॉन्स में लॉस में ओ आता है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ना जब भी इलेक्ट्रॉन लॉस में जाएगा तो क्या होगा, अगर आपका सपोज ये आपका एटम है, यहाँ पे आपके प्रोटॉन्स हैं, यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर ये आपका इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है, लॉस होता जा रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो क्या होगा, या आपका प्रोटॉन सपोज यहाँ पे 10 प्रोटॉन्स थे, यहाँ पे आपके 10 इलेक्ट्रॉन्स थे, अब एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे, 9, वेयर्स प्रोटॉन्स तो आपके पास 10 है, तो इसलिए आपके पास क्या बचेगा, पॉजिटिव चार्ज। तो जब भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा देयर विल ऑलवेज बी इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, दैट इज़ वेन एवर देर इज़ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और देर इज़ इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, इट इज़ ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसी को अगर हम स्केल में दिखाते हैं तो मैं स्केल में इसको दोबारा से लिख देते हैं, आपको बहुत क्लियर समझ में आ जाएगा। तो अगर हमने ये चार्ज स्केल ले लिया, इधर नेगेटिव चार्ज दिखाया, इधर पॉजिटिव, बीच में ज़ीरो, तो जब भी हम माइनस से प्लस की तरफ जाएंगे, दैट मीन्स फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, नाउ चार्ज मीन्स व्हाट इज़ हैपनिंग, वी आर इंक्रीजिंग पॉजिटिव चार्ज। नाउ पॉजिटिव चार्ज कब इंक्रीज होगा, जब देर इज़ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो देर इज़ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तब पॉजिटिव चार्ज होगा, और इसको लॉस है तो हम इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। ठीक है, नाउ नाइट्रिक एसिड क्या करेगा, नाइट्रिक एसिड एक्चुअली हेल्प करेगा ऑक्सीडेशन में, तो इट इज़ नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे आपका ट्रैवलिंग एजेंट आपको ट्रैवल में हेल्प करता है, ऐसे ही नाइट्रिक एसिड आपको हेल्प करेगा ऑक्सीडेशन में। ठीक है, राइट, नाउ अगर हम रिवर्स चलते हैं तो रिवर्स में क्या है, पॉजिटिव से हम चल रहे हैं नेगेटिव चार्ज की तरफ, तो क्या हो रहा है, हमारा पॉजिटिव चार्ज कम होता जा रहा है, दैट मीन्स व्हाट इज़ हैपनिंग, पॉजिटिव चार्ज कम कम होगा जब हम इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। ठीक है, तो 9 था, एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया 10 हो गए, फिर एक और इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो 11 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, प्रोटॉन्स हमारे 10 रह गए, तो हर बार क्या है, प्रोटॉन कम हो रहा है, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, तो हम कहाँ जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट, दैट इज़ लेफ्ट टू राइट इज़ ऑक्सीडेशन, राइट टू लेफ्ट इज़ रिडक्शन। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आया, नाउ अब देखते हैं। तो अगर हम नाइट्रिक एसिड लेते हैं कंसेंट्रेटेड और इसको हीट करते हैं, तो कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ब्रेक करेगा इनटू वाटर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्योंकि कंसेंट्रेटेड है, और साथ में मिलेगा 1 ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन एक्चुअली हेल्प करेगा इन ब्रिंगिंग आउट और कैरिंग आउट द ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऐसे ही अगर हमने कंसेंट्रेटेड की जगह डाइल्यूट ले लिया नाइट्रिक एसिड, तो NO2 की जगह हमारा NO बनेगा। ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन कितनी मिलेगी, 3, सो दैट मीन्स नाइट्रिक एसिड अगर आप डाइल्यूट लेते हैं या आप कंसनट्रेटेड लेते हैं, इन बोथ द केसेस टेम्परेचर की वजह से क्या है, आपको ऑक्सीजन मिल रहा है और ये ऑक्सीजन आपको हेल्प कर रहा है इन ऑक्सीडेशन। ओके, ना इसको एग्जांपल के जैसे समझते हैं, सपोज हमने ले लिया नॉन मेटल कार्बन। ठीक है, तो अगर हमने कार्बन ले लिया और नाइट्रिक एसिड के अंदर डाल दिया, और हमने नाइट्रिक एसिड कौन सा लिया, कंसनट्रेटेड,
तो हमारा रिएक्शन क्या होगा, HNO3 हमारा ब्रेक करेगा इनटू वाटर, इनटू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ठीक है, हमने यही पढ़ा था। तो इसको बैलेंस कर लेते हैं, 2 नाइट्रिक एसिड ले लेते हैं, राइट। ये बनाएगा 2 हाइड्रोजन से वाटर और 2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये ऑक्सीजन कितनी होगी, 3 2 6, सो 1 4 + 1 5 और ये 6, तो 1 सिंगल ऑक्सीजन। अब हमने इसके अंदर क्या डाल दिया, सपोज कार्बन, तो कार्बन इस ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा और बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ डाई मतलब 2 ऑक्सीजन। अब ये 2 नाइट्रिक एसिड से 1 ऑक्सीजन मिलती है, तो 2 ऑक्सीजन के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब अगर हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा ऑक्सीजन ऑक्सीजन कैंसिल हो जाएगा और रिएक्शन क्या आएगा, कार्बन प्लस 2 2 4 नाइट्रिक एसिड। ऑन बॉइलिंग वी विल गेट कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, और ये हो जाएगा 2 वाटर, 2 2 4 नाइट्रिक एसिड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, और ये ऑक्सीजन हमारा कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज़ द रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड एंड कार्बन। ठीक है, ये एक इंटरेस्टिंग है। नाउ लुक हियर, ये कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर है ये मिलके कौन सा एसिड बनाएंगे, ये बना लेंगे कार्बोनिक एसिड, लेकिन हम हीट कर रहे हैं तो बॉयल करने की वजह से ये ब्रेक करता जाएगा, राइट। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट। अगर हम लेते हैं सल्फर, ठीक है, तो इसको फिर से यहीं पे एक्सप्लेन करते हैं रिएक्शन को, राइट। नाउ हमने क्या लिया, सल्फर लिया, ठीक है, और ऑक्सीजन लिया, और कितना ऑक्सीजन लेंगे, 2 नेसेंट ऑक्सीजन लेंगे, ये बनाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, अब 1 ऑक्सीजन हमको 2 नाइट्रिक एसिड से मिलता है, तो 2 ऑक्सीजन हमको डेफिनेटली इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे रिएक्शन को, और फिर ये ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 4 HNO3 विल गिव 2 वाटर प्लस 4 NO2 प्लस 2O, ओके, और ये सल्फर हमारा 2 ऑक्सीजन के साथ सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा, ये कैंसिल हो गया। अब क्या बना हमारा, सल्फर प्लस 4 नाइट्रिक एसिड विल गिव 2 वाटर प्लस 4 NO2 प्लस O2। ठीक है, नाउ बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, जैसे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व करता है, ऐसे सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन तो है ही, तो ये क्या बनाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। नाउ नाइट्रिक एसिड तो ब्रेक कर जाता है, कार्बोनिक एसिड भी ब्रेक कर जाता है, बिकॉज दे आर नॉन वोलेटाइल, दे आर वोलेटाइल एसिड, पर सल्फ्यूरिक एसिड हमारा कैसा है, नॉन वोलेटाइल है। तो जब सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलेगा तो ये बनाएगा H2SO4, ठीक है, और ये स्टेबल हो जाएगा, इसलिए हमारी रिएक्शन क्या हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, SO2 जो है, SO2 को क्या चाहिए हमें, 2 ऑक्सीजन और चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें नाइट्रिक एसिड और ऐड कर देंगे। ठीक है, और हमारा सल्फर डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो जाएगा वाटर के साथ इनटू सल्फ्यूरिक एसिड, और ये रिएक्शन हो जाएगा सल्फर प्लस 6 नाइट्रिक एसिड ऑन बॉइलिंग विल फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड वाटर एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। है ना इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। ठीक है, तो इसने क्या बना लिया, सल्फ्यूरिक एसिड। ये कार्बोनिक एसिड इसलिए नहीं बना पाया कार्बन, क्योंकि हम बॉयल कर रहे थे तो कार्बोनिक एसिड ब्रेक कर जाता है, पर बॉयल करने पे सल्फ्यूरिक एसिड नॉन वोलेटाइल है, इसलिए स्टेबल हो गया। ओके, यही कंसेप्ट चलन, अगर हम फॉस्फोरस डालते हैं तो फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड बनेगा, जैसे SO2 बना है ऐसे P2O5 बनेगा, P2O5 भी हमारा वाटर से कंबाइन करेगा, ठीक है, और ये बना लेगा H3PO4। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, और इससे हमें कन्फर्म हो जाएगा दैट नाइट्रिक एसिड ऑन बॉइलिंग विद नॉन मेटल्स इज गोइंग टू एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये तो मेटल की बात, नॉन मेटल की बात हो गई। अब बात करते हैं सपोज मेटल की, तो मेटल में क्या होगा, अगर डाइल्यूट लिया है या कंसनट्रेटेड लिया है तो रिएक्शन चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर लिया है या हमने हीट किया है तो भी हमारा रिएक्शन चेंज हो जाएगा। ठीक है,
तो अगर हम लेते हैं कॉपर और हम उसमें डालते हैं नाइट्रिक एसिड, ठीक है ना। नाइट्रिक एसिड हमने लिया डाइल्यूट। चलन, यू हैव टू रिमेम्बर, जब भी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लेंगे तो हमारा क्या बनता है? NO। हमने देखिए यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, यू रिमेम्बर, ये था डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ NO बना था, ठीक है। तो जब हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लेंगे कॉपर के साथ, तो वॉट विल हैपन, ये कॉपर और नाइट्रेट विल फॉर्म ब्लू कलर, ब्लूइश ग्रीन कॉपर नाइट्रेट, वाटर बन जाएगा और गैस जो रिलीज होगी दैट विल बी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। अगर हम लेते हैं कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, राइट, तो कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में क्या होगा? नाइट्रिक एसिड ब्रेक करेगा इंटू वाटर एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, दिस इज द डिफरेंस। और कॉपर यहाँ पे नाइट्रेट के साथ बनाएगा ब्लूइश ग्रीन कॉपर नाइट्रेट। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस? अगर कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है तो आपको रेडिश ब्राउन कलर की वेपर्स मिलेंगी, और अगर डाइल्यूट है तो नाइट्रिक ऑक्साइड मिलेगा। तो चलो ये देखो कितना इंटरेस्टिंग है कि अगर आपको कंफर्म करना है कि आपका नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट या कंसनट्रेटेड है, तो आपको क्या करना है? सिर्फ कॉपर टर्निंग डालना है। कॉपर टर्निंग डाल के आप जैसे ही देखते हैं अगर रेडिश ब्राउन गैस वेपर्स आ रही हैं तो रेडिश ब्राउन गैस निकल रही है तो आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, इसका मतलब आपका एसिड कंसनट्रेटेड है, ठीक है। और नहीं तो आपका एसिड जो है वो आपका डाइल्यूट है ना। इंटरेस्टिंग, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है चलन। तो नाइट्रिक एसिड की ये प्रॉपर्टी डाइल्यूट या कंसनट्रेटेड वो टेस्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? कॉपर, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है चलन, इसको अच्छे से बैलेंस रिएक्शन के साथ प्रैक्टिस कर लीजिए, दिस इज़ रियली हेल्पफुल और ये काउंसिल में भी ज़रूर आता है। ओके, थैंक यू।